পাকিস্তানের ইন্টারনাল গন্ডল থাকে, সব দেশের ইন্টারনাল ব্যাপার নিয়ে কিন্তু অন্য অন্য দেশও কিন্তু রিসার্চ করে। তো সেক্ষেত্রে স্বাগতম সবাইকে মিছের রিয়াকশনে আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা অনেকদিন পর আবারও মেজর গৌরব আরিয়ার ভিডিও দেখব। আর আজকের ভিডিওর টাইটেলটি হচ্ছে মেজর গৌরব আরিয়া এক্সপ্লেইনস ফাইট বিটুইন জেনারেল বাজওয়া অ্যান্ড ইমরান খান নিয়াজি। সো বুঝতে পারছো একটা ফাইটিং নিয়ে আসলে অনেক ডিসকাশন দেবে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ইমরান খান বলছে তার মানে হচ্ছে যে ইমরান খান নিয়াজি, আই ডোন্ট নো ইমরান খান কি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর নাম পুরোটাই নাকি ইমরান খান নিয়াজি, আই ডোন্ট নো। যাই হোক, এই ভিডিওটি নেওয়া হয়েছে ওনারই চ্যানেল ডিফেন্সিভ অফেন্স থেকে, আর ওনার অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকে, তাহলে আপনারা সেখান থেকে ওনার অরিজিনাল ভিডিওটিও দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। চলুন দেখে আসি উনি কী বলছেন। तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, और जो तुम अभी ये भूले भटके चंद्र ग्रहण ये पिंकी पीरनी के चक्कर में जो तुम ड्रामा कर रहे हो ना, ISI चीफ का लिख के दो, ये करके दो, क्या भूत उतार देंगे, तुम्हारा पूरा बुखार उतार दिया इमरान खान का, अभी और उतारेंगे इसको, इमरान खान अभी और जलील होगा। अब ये बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। आर्मी से जब इमरान खान भिड़ा तो इमरान खान कहीं ना कहीं वैभव अपनी औकात भूल गया, मेरा बाप कौन है ये भूल गया। इलेक्शन में धांधली करवानी है तुम लिख के दो ISI को, तुम्हें किसी को उठवाना है तो तुम लिख के दो ISI को, ये चीजें कौन लिख के देता है भाई। लेकिन आर्मी चीफ ने बोल दिया अब तुम्हें कुछ भी करवाना है, किसी जज को फोन करवाना है रात को, उसके परिवार को धमकाना है, लिख के दो। पाकिस्तानी फौज जो है वो पंजाब में गोली नहीं चलाती, वो गोली चलाती है बलूचिस्तान में, वो गोली चलाती है सिंध में, वो गोली चलाती है खैबर पख्तूनख्वा में, है ना, अपने सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जिसको इंडियंस POK बोलते हैं वहां पे गोली चलाती है, वो पंजाब में गोली नहीं चलाती। कोई भी फौज जिंदा नहीं रह सकती पंजाब में गोली चलाने के बाद। तो ये क्लियर कट उन्होंने समझा दिया इमरान खान को, इमरान खान को बोल दिया साहब होश के नाखून ने, जिसको हिंदी में कहते हैं बलि का बकरा, या फिर कह दीजिए कुर्बानी का बकरा, हमारे पाकिस्तानी भाई बहन समझ लेंगे, कुर्बानी का बकरा उनको चाहिए। अब फौज को जब अपने आप को जो खल्क है जो आवाम है जब उनके गुस्से से अपने आप को बचाना है तो इमरान खान की बलि देंगे वो लोग। रियासत मदीना, अमीरुल मोमिनीन, सादिक और अमीन, ये लंबी लंबी जो छोड़ते हैं ना, ये सब ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा आदमी। और ये फौज ने रोक रखा है, स्टे करवा रखा है पाकिस्तान आर्मी ने, जिस दिन पाकिस्तानी आर्मी का दिमाग ठनका उसने सिर्फ फॉरेन फंडिंग का केस खोलना है और इमरान खान की बकियां उधर देंगे लोग। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या। सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हाँ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और पटाखे फोड़ते रहिए। एक मीटिंग होती है बनीगाला प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस में, एक मीटिंग होती है भैया, और उस मीटिंग में कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, एक मौलाना ताहिर अशरफी जो अशराफ हैं, इम्पोर्टेड हैं भैया, लोकल साउथ एशियन मुसलमान तो है नहीं, वो बाहर से आए हैं, और पाकिस्तान के मशहूर जॉनी वॉकर, अब क्यों उनको जॉनी वॉकर कह रहा हूँ दुनिया जानती है, उनको हम सिर्फ मौलाना अशरफी न कहें, मौलाना टुन भी कह सकते हैं उनको, तो उनका नाम मौलाना टुन है, तो मौलाना टुन बैठे, इमरान खान बैठे, चार पांच और उनके जो एडवाइज़र हैं वो बैठे। अब इसके बीच में तहरीक लबैक पाकिस्तानी मीटिंग, तहरीक लबैक पाकिस्तान के मार्च के लिए हो रही है और ये सब हो रही है, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक छोटा सा डेलीगेशन आता है इमरान खान से मिलने के लिए, और उसके साथ आते हैं मुफ्ती मुनीब, हु इज़ वन ऑफ द मेन पीपल ऑफ इनफैक्ट मुफ्ती मुनीब ने यू नो साद रिजवी के बाप के साथ मिलके ये सब जो शुरू करा था, ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, तो बड़े सीनियर हैं और साद रिजवी भी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। तो मुफ्ती मुनीब वहाँ पर पहुँचे भाई, और मुफ्ती मुनीब दरवाजे के अंदर आते हैं, दरवाजे से चलते हुए आते हैं, और वो ताहिर अशरफी को देखते हैं, जॉनी वॉकर को, और सबसे पहले जो उनसे अल्फाज निकलते हैं उनके मुंह से ये निकलते हैं कि इस देवबंदी को कमरे से निकालो, यहां पे क्या कर रहा है, बिकॉज दैट इज इसेंशियली अ बरेलवी मूवमेंट। अब आपस में देयर इज बैड ब्लड, तो बोला ये देवबंदी क्या कर रहा है, पहले इसको कमरे से निकालो। तो इमरान खान उससे कहता है कि भाई अशरफी साहब अब जरा खिसक लीजिए आप, माहौल यहां पर गर्म है। खैर बहरहाल दो तीन चीजें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। पहली चीज तो यह है कि यार
खुशियां जो मनाई जा रही हैं ना कि रुक गया बस अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ। और मुबशर लुकमान ने भी अपना वीडियो निकाला है और करीब 25 बार अल्लाह का शुक्र कराया उसने वीडियो में, 7-8 मिनट के वीडियो में, कि बस अब सब कुछ ठीक। ये फिर झूठ बोलते हैं लोग और पूरी कौम को एक झूठ का नशा करा रखा है। देखिए सांप जो है या तो बिल में जाएगा या पिटारे में जाएगा, तीसरी जगह तो सांप की होती नहीं, या तो बिल में जाएगा या पिटारे में जाएगा। अब हुआ क्या, इन्होंने पहली बार भी प्रॉमिस करा था लबैक वालों को कि साहब आप चिंता मत करिए, जो भी आपका काम है वो हम करवा देंगे, जो भी आपके मांगे हैं उनके ऊपर हम पार्लियामेंट में बहस करेंगे, ये करेंगे, ऑर्डिनेंस लाएंगे, लॉ लाएंगे, एक्ट लाएंगे, एक्स वाई जेड करेंगे। पर उन्होंने जबानी प्रॉमिस दी, इस बार लबैक वालों ने साफ कह दिया कि भाई हमें रिटर्न में अश्योरेंस चाहिए। वो क्या अश्योरेंस चाहिए वो भी बता देता हूं और उनको किससे चाहिए ये भी बता देता हूं। अच्छा किससे चाहिए? उनको ये अश्योरेंस चाहिए डायरेक्टर जनरल ISI से। अब डीजी ISI कोई है तो नहीं अभी इस वक्त, देयर इज नो डीजी ISI एज ऑफ टुडे। सो भैया जो डीजी ISI नहीं है इस वक्त, अब वो अपॉइंट होगा। अब हमने जो पहली बार बोला था कि 5th of December, तो उसके लिए माजरत, वो हम सूर्य ग्रहण की बात कर रहे थे, एक्चुअली मामला चंद्र ग्रहण का था। पाकिस्तान में कोई सिंपल चीज तो होती नहीं, तो 20 नवंबर की बात है कि 20 नवंबर के बाद मामला पलट जाएगा और 20 नवंबर के बाद कोई और डीजी ISI अपॉइंट हो जाएगा, यानी कि अपने ऑनरेबल कोर कमांडर कराची नदी मंजुम साहब वो बन जाएंगे अपने डीजी ISI और उसके बाद वो साइन करके दे देंगे। फिलहाल बाजवा साहब ने बोला कि मेरी जबान है, उसने बोला सर जबान वान यहाँ पे किसी के नहीं है, लिख के दो। तो फिर वो चंद्र ग्रहण वाला मामला बीच में आ गया, तो अब थोड़ा सा मामला। अब देखिए बात यह है ना कि उनको चाहिए क्या। पहली चीज़ साद रिजवी जो हेड है लबैक का, साद रिजवी को उन्होंने पंजाब हाउस में रख रखा है और बड़ी शान शौकत से 7-स्टार कोरमा भी चल रहा है, कबाब भी चल रहा है, बिरयानी भी चल रही है वहाँ पे। पंजाब हाउस में गवर्नर आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं बाहर के, अगर कभी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं लाहौर, सो पीपल लिव देयर। तो साद रिजवी को एक स्टेट गेस्ट का ऑनर दे रखा है, एटलीस्ट दैट इज वॉट एवर पंजाब गवर्नमेंट कैन गिव। तो उनकी प्रॉपर टॉप क्लास सिक्योरिटी है वहाँ पर, नौकर चाकर हैं और खाना पीना जो भी, वॉट एवर इज अलाउड अंडर इस्लामिक लॉ इज बींग गिवन टू हिम एंड वॉट एवर इज नॉट अलाउड अंडर इस्लामिक लॉ इज ऑल्सो बींग गिवन टू हिम। तो उसको खुश करने की वो कोशिश कर रखें, तो वहाँ बैठे हुए। अब एक तो मांग ये है, दूसरी मांग ये है कि फ्रांस के एम्बेसडर को निकालो। शेख रशीद का कहना है कि साहब फ्रांस का एम्बेसडर तो है नहीं यहाँ पे, पर वो गूगल वूगल में कुछ देख रहे हैं और उसको धमका रहे हैं। तो अब ये बात हो रही है कि इन लोगों ने उस मीटिंग में जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस मीटिंग में इन लोगों ने बोला कि नहीं साहब जब हमारी मीटिंग होगी तो उसमें शाह महमूद कुरैशी को भी शामिल करा जाएगा। अब आप ये सोचेंगे साहब कि शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर, उसका लोकल मामला क्या वो पीर है इसलिए, क्या मुल्तान में उसकी बड़ी फॉलोइंग है इसलिए, नहीं। दो तीन वजूहत हैं क्यों शाह महमूद कुरैशी को, एक तो फ्रांस को मैसेज देना है क्योंकि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, कि फ्रांस को भी मैसेज देना है कि साहब वी कंट्रोल थिंग्स हियर। तो लबैक वाले थोड़ा सा डिप्लोमेटिक कार्ड खेल रहे हैं। दूसरा कार्ड ये खेल रहे हैं, यह आर्मी की तरफ से है क्योंकि शाह महमूद कुरैशी पहले पीपल्स पार्टी में भी थे, अब इधर ये तो कुछ लोग हैं, सर्वाइवर्स हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स के ना, ये कहीं नहीं जाते। कल अगर ये मैं बता रहा हूँ कल नून लीग आ गई तो शाह महमूद कुरैशी उसमें भी फॉरेन मिनिस्टर होगा, कोई ना कोई मिनिस्टर होगा। खैर शाह महमूद कुरैशी आर्मी उसकी पोजिशनिंग कर रही है और ये मैसेज जा रहा है इमरान खान नियाज़ी को कि बेटा तुम ये मत समझना कि तुम एक परमानेंट फिक्स्चर हो, फर्नीचर की तरह 20-30 साल तक रहोगे, ऐसा नहीं है। इस पूरे मामले ये पोजिशनिंग चल रही है, सॉर्ट आउट उसने नहीं करा लेकिन ये पोजिशनिंग चल रही है। किसने सॉर्ट आउट करा? शाह महमूद कुरैशी ने, बेसिकली टू टेल। और ये बात हम डिफेंसिव ऑफेंस में एक दो बार पहले भी कर चुके हैं, आर्मी की नज़र है इमरान खान का बैकअप शाह महमूद कुरैशी है। अगर इमरान को हटाया जाता, हमें नहीं पता हटाएंगे नहीं हटाएंगे, वी कैन नॉट से, लेकिन अगर इमरान खान को हटाया जाता है उसके रिप्लेसमेंट में फौज कोशिश करेगी पुश करने की शाह महमूद कुरैशी को। अच्छा ये एक स्टोरी है, ठीक है। इसमें दो तीन और स्टोरीज भी हैं वैभव। आर्मी से जब इमरान खान भिड़ा तो इमरान खान कहीं ना कहीं वैभव अपनी औकात भूल गया, मेरा बाप कौन है ये भूल गया। इमरान खान ये भूल गया कि उसका बाप कौन है। खाकी वर्दी वाले लाए थे उसको पावर में, पर ये पाकिस्तान की पुरानी रीत है वैभव, ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा। औकात अपनी जुल्फिकार अली भुट्टो भी भूला था जिसको लाए बेसिकली फौजी थे, है ना। नवाज शरीफ भी अपनी औकात भूला था जिसको लाए फौजी थे।
जब मैं कह रहा हूँ कि वोट की चोरी नहीं हुई थी, लेकिन पॉलिटिक्स में नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक लेकर आया और जुल्फिकार अली भुट्टो को अयूब खान लेकर आया, तो ये सब फौज की ही पैदाइश हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको इलेक्शन फौज ने जितवाया नवाज शरीफ को, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन ये पैदाइश फौज की हैं, पैदाइश ये लोग जीएचक्यू रावलपिंडी की हैं। इमरान खान तो टोटली टोटल मतलब बस वर्दी नहीं पहनता, बाकी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ही इज अ नाम ऑफ द पाकिस्तानी फौज। उसने अपने ही बाप दादाओं को आके दिखाना शुरू कर दी, बाजवा को आके दिखा दी, अब बोला कि नहीं फैज हमीद को, जब तक ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण वाला ये सब जो ड्रामा चल रहा है तब तक बनेगा। तब पिंकी पीर ने उसको पिन करा होगा इमरान खान को, तो इमरान खान मर्द मोमन बन गए और बोला कि साहब अच्छा बाजवा को पसंद नहीं आया, ही इज द आर्मी चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, यार उसको वो भगवान है पाकिस्तान का, उसको नहीं पसंद आया। अब उसको जब पसंद नहीं आया, इमरान खान ने बोला भी क्या कि लिख के दीजिए, तीन नाम दीजिए, तीन नाम के ऊपर डिस्कशन होगा फिर मैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि बेटा तुम्हें बहुत खुजली है नाम लिखने की, तुम्हें हर चीज़ रिटर्न में चाहिए, अब तुम बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए, अब तुम रिटर्न में दो, तुम हर चीज़ रिटर्न में दोगे, तुम्हें बहुत तुम्हारा खून उबाल मार रहा है कि ये डेमोक्रेसी है और ये है वो है और यू नो सिविलियन सुप्रीमेसी का बड़ा भूत सवार है, अब तुम्हें फौज की, अब तुम जाके राइट, जो ISI चीफ देगा वो तो देगा वो अलग बात है, लेकिन बाकी चीज़ों की गारंटी तुम लिख के दो। अगर तुम्हें इलेक्शन में धांधली करवानी है तुम लिख के दो ISI को, तुम्हें किसी को उठवाना है तो तुम लिख के दो ISI को, ये चीज़ें कौन लिख के देता है भाई। लेकिन आर्मी चीफ ने बोल दिया अब तुम्हें कुछ भी करवाना है, किसी जज को फ़ोन करवाना है रात को, उसके परिवार को धमकाना है, लिख के दो, अब तुम हर चीज़ लिख के दोगे। बेसिकली क्या है वैभव, कि 6 अक्टूबर को ISPR ने बोला कि ये सब चेंज ओवर होगा, ये सब यहाँ पे ना वो ये पिशावर चला जाएगा, 10 कोर चला जाएगा, 11 कोर जो भी है वहाँ पे, और वो 5 कोर वाला इधर आप पारा में आ जाएगा, ये सब और दो चार और इमरान खान ने जो आंखें दिखाई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अपने खुद के आर्मी चीफ को आंखें दिखा दी, अब दिखा दी अपने आर्मी चीफ को अचानक। ये जो इतने समय से सांप पिटारे में था, मैं लबैक की बात कर रहा हूँ, तहरीक लबैक पाकिस्तान, ये सांप तो पिटारे में था, ये तो बहुत पहले ये लोग कर रहे थे, फ्रांस के एम्बेसडर को निकालो, गुस्तखाना खाके हैं, ये हैं प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ इन्होंने यू नो उनकी बेइज्जती करी है, गलत बोला है, ये सब फ्रांस के एम्बेसडर को निकालो, ये चुपचाप हो गए थे कुछ महीने के लिए, शांत थे बिल्कुल, ये अचानक सांप कहां से निकले? अचानक सांप इसलिए निकले क्योंकि बाजवा साहब ने इज्जत पे बात ले ली अपने, उनके जिसको कहते हैं ना गुरूर पे बात आ गई, और बाजवा साहब ने बोला निकलो सड़क पे, साला जरा बताओ इमरान खान को आटे तेल का भाव क्या है। यू नो वैभव इन पाकिस्तान ना द मोस्ट पावरफुल पीपल आर द कोर कमांडर्स हु रिपोर्ट टू द आर्मी चीफ, आर्मी चीफ भगवान है इनका। अब हुआ ये कि कोर कमांडर्स की मीटिंग में कोर कमांडर्स ने बड़ा ऑब्जेक्शन करा, उनको बुरा भी लगा कि साहब एक बार ISPR और ISPR अपने मन से तो नहीं करता ना, इट्स अप्रूव्ड बाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, एक बार आर्मी चीफ के कहने पर ISPR ने बोल दिया, फिर आपको उसके ऊपर सियासी मजमा लगाने की क्या जरूरत थी, इमरान खान को मीडिया में बात लाने की क्या जरूरत थी, उसको सिविलियन और मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन आपने क्यों बनाया। एक्चुअली ये इमरान खान को बहुत बड़ा एक और दूसरा कीड़ा है, इमरान खान का बहुत कीड़े उसके कई हैं, लेकिन दिस प्रोग्राम इज नॉट लॉन्ग इनफ टू डिस्कस ऑल द इंसेक्ट्स दैट ही हैज, ऑल द कीड़ाज, उसका एक और कीड़ा है सबसे बड़ा, वो परमानेंटली कंटेनर पे बैठ के तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको एड्रेस करता है, वो चाइना जाएगा तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को एड्रेस कर रहा है, वो तजाकिस्तान जाएगा, उज्बेकिस्तान जाएगा, सऊदी अरब जाएगा, वो कहीं पर भी जाएगा, वो CNN को BBC को इंटरव्यू देगा, ही इज बेसिकली एड्रेसिंग हिज कोर ऑडियंस एंड ही डज नॉट रियलाइज दैट देयर इज ग्रेट हार्म टू द कंट्री इन दैट, वो नुकसान पहुंचा रहा है पाकिस्तान को। मैं एज एन इंडियन कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बहुत नुकसान पहुंचा रहा है पाकिस्तान को, कैसे आपने पब्लिकली जनरल बाजवा, और वो जनरल बाजवा जिसके आशीर्वाद से फिर फैज हमीद वॉज नंबर 2 ऑफ ISI एट दैट टाइम, बाद में नंबर 1 बन गया वो, उसके आशीर्वाद से तो आप प्रधानमंत्री बने, वजीर आजम बने मुल्क के, फिर आप ये बात बताइए ना, बात क्या हो गई आपको, आपने ऐसा कर दिया। अब कोर कमांडर्स का गुस्सा होना लाजमी था, देखो दे वुड गेट एंग्री, आप आर्मी को अपना यू नो आप आंखें दिखा रहे हो, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं जो पाकिस्तान में मतलब इमरान खान को मतलब जिले लाही समझते हैं, शेडो ऑफ गॉड इमरान खान को समझते हैं, उनको अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करता है हर समय, और इसीलिए पाकिस्तान की टांगें वो खुद काट रहा है कुल्हाड़ी लेके, उसने यही कोशिश करी। अब बोला कि बेटा तुम्हें जो भी चाहिए ना उल्टा सीधा, तो अब तुम लिख के दोगे, दो लिख के
तो अब साद रिजवी के जो अब्बा जान थे खादिम हुसैन रिजवी द फाउंडर ऑफ तहरीक लबैक, उन्होंने एक बार चलते फिरते ऐसे ही इंसिनुएट करा, डायरेक्टली नहीं बोला, ऐसे ही एक 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 हवा बांधी कि जनरल बाजवा कादियानी रातों रात तहरीक लबैक पूरी लीडरशिप उनके मदरसे बंद, मदरसों में मौलवी थे वो बंद, रिजवी बंद, रिजवी की लीडरशिप बंद, सिर्फ करा पंजाब पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने ताला लगा दिया वैभव, ताला लगा दिया, क्योंकि बाजवा पे बात आई थी तो पंजाब पुलिस काफी थी, अब इमरान पे बात आई तो पूरे मुल्क में खाना जंगी। देखिए ये फौज, ये सब फौज नहीं, सांप पाले हुए हैं। पिटारा खोलता है जनरल बाजवा, टीएलपी निकलता है, इमरान को डस देता है और वापस पिटारे में आ जाता है। अब फिर उसको छोड़ेंगे जब इमरान खान अपनी औकात से बढ़ के जाएगा, तो ये इनके पास, देखिए मौलाना फजलुर रहमान भी एक ऐसा सांप है जो दूसरे पिटारे में रख रखा है, वो लॉन्ग मार्च पे निकल जाएगा। देखना जब वेन दे वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज टू यू नो, वो बोलेगा आ जाओ, यू नो पीप डेमोक्रेटिक वो जो है ना उनका पीडीएम क्या बोलते हैं उसको, पीडीएम वीडीएम वाले सब इकट्ठा कर लेगा वो 10-20 लाख लोग, बिरयानी बैठेगी बीच में वीगो से, ये सब होगा हिज़्ब इख्तलाफ। अब एक और ये पॉइंट था कि इमरान खान ने रिक्वेस्ट करा आर्मी चीफ को, आर्मी को साथ फौज बुलाइए, क्योंकि तहरीक लबैक इज चैलेंजिंग द रेट ऑफ द स्टेट, दे कैन नॉट बी अलाउड टू चैलेंज द रेट ऑफ द स्टेट, फौज बुलाइए, फौज इनको सॉर्ट आउट करेगी। तो उन्होंने बोला साहब देखो सीधी बात है, आपको वैसे ही लिखत पढ़त का बड़ा शौक है तो आप एक काम करिए लिख के दीजिए। तो क्या लिख के देना है? लिख के ये दीजिए कि पाकिस्तानी फौज आएगी तो लाठी लेके तो आएगी नहीं, हथियार लेकर आएगी, और अगर हथियार लेकर आती है तो हथियार चलेंगे भी, जब हथियार चलेंगे तो लोग मरेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी इमरान खान ले। इमरान खान सबके सामने एक तो चिट्ठी दे और अनाउंस करे नेशनल मीडिया में कि साहब मैंने बोला है पाकिस्तानी फौज को कि लबैक वालों पे गोली चलाओ, मेरे हुक्म से चला रही फौज, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रही। इमरान खान के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। और एक और चीज बताई जनरल बाजवा ने चुपचाप से, पाकिस्तानी फौज जो है पंजाब में गोली चलाती है बलूचिस्तान में, वो गोली चलाती है सिंध में, वो गोली चलाती है खैबर पख्तूनख्वा में, है ना, अपने सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जिसको इंडियंस पीओके बोलते हैं वहां पे गोली चलाती है, वो पंजाब में गोली नहीं चलाती। कोई भी फौज जिंदा नहीं रह सकती पंजाब में गोली चलाने के बाद। तो ये क्लियर कट उन्होंने समझा दिया इमरान खान को, इमरान खान को बोल दिया साहब होश के नाखून लें, ये मामला है लिख के दें, आपको चाहिए ना फौज, यू वॉन्ट पाकिस्तान आर्मी, श्योर नो प्रॉब्लम, राइट इट डाउन, टेक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी ऑन ग्राउंड अगेंस्ट तहरीक लबैक। कोई मरता है इमरान खान की जिम्मेदारी। इमरान खान को सांप सूंघ गया, इमरान खान ठंडा पड़ गया बेसिकली। तो वैभव इमरान के पर निकल आए और इमरान खान ने फौज को बेइज्जत करना शुरू करा। ये अपने ये आईएसआई के चीफ के मामले में हर रोज मीडिया के सामने कोई बयानबाजी, बेवकूफ तो यही आदमी है, इसको ये नहीं पता, और इसके दो वो डब्बू जी फवाद चौधरी शेख रशीद इन ये सब पता नहीं कैसे अजीब से लोग हैं, ये मिनिस्टर कहने को वजीर हैं लेकिन ये बचकाना हरकतें, मेच्योरिटी बिल्कुल 2 रुपए की नहीं है। अब इन लोगों ने फौज अब क्या हुआ कि ये लोग लगातार लगातार कुछ ना कुछ बकवास करते हैं। तो मुफ्ती मुनीब जो है तहरीक लबैक के, उन्होंने तो यहां तक बोला है कि फवाद चौधरी के मुंह में बवासीर है, ही इज ऑन रिकॉर्ड, इफ वी हैव दिस वीडियो वी कैन प्ले दैट वीडियो, हाँ वो वीडियो देखिए जरा, शेख रशीद और फवाद चौधरी की तरह इनके मुंह में बवासीर नहीं है कि जो आए बकते चले जाएं। तो दोस्तों आपने देखा है वीडियो, वो कह रहा है इसके मुंह में बवासीर है, ये बोल के मतलब चुप होके खुश नहीं है ये। खैर बहरहाल इमरान खान रोज का रोज मीडिया पे जाए और चैलेंज करे आर्मी को, जलील करे आर्मी को। आर्मी ने पिटारा खोला, लबैक का सांप निकाला, सांप ने डसना शुरू करा। अब आर्मी विभिन्न पाकिस्तान आर्मी रोज के रोज इमरान खान को जलील कर रही है, शाह महमूद कुरैशी को बगल में बैठाया दिखाने के लिए कि तुम्हारा रिप्लेसमेंट तैयार है। दूसरी चीज ये बोला कि साहब तुम्हें जो चाहिए तुम लिख के दो। अब रोज फौज कह रही है कि लिख के दो, फौज कह रही तुम बात क्यों नहीं करते इससे, तहरीक लबैक वालों से बात क्यों नहीं करते, भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, व्हाई कांट यू टॉक टू, हम तो कहते हैं तुम अलकायदा से बात करो, तुम इस्लामिक स्टेट से बात करो, तुम सबसे बात करो, हमने तुम्हें रोका है। इमरान खान ने ईगो, अच्छा इन्होंने ये भी बोला था कि साद रिजवी को छोड़ दो, वो 7-स्टार पंजाब हाउस में बैठा हुआ है, बिरयानी कोरमा नली बिरयानी रोज खा रहा है, उसको बोला कि छोड़ो उसको, फौज कह रही है, इमरान खान नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा,
रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज करी इसने। रिट ऑफ द स्टेट पाकिस्तान में थी कब यार, थी कब रिट ऑफ द स्टेट? स्टेट की दो रुपए की औकात नहीं पाकिस्तान में। रिट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी है। रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज आप करिए, वो तो हर पाकिस्तानी आर्मी चीफ रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज करता है, लेकिन इमरान खान ने रिट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी चैलेंज करी। रिट ऑफ द स्टेट इन पाकिस्तान शुड एक्चुअली बी कॉल्ड रिट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। इमरान खान को गलतफहमी। खैर, इमरान खान ने ये सब चीजें करी। अब इमरान खान कह रहा है मैं उसको जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। वो लोग बैठे हैं, बैठे उन्होंने क्या करा, सबके सामने ताहिर अशरफी को निकलवा दिया भाई, निकाल दिया ना, बोला कि देवबंदी इसको निकालो, निकलवा दिया उन लोगों ने सामने जली। और वो कौन है स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान? ताहिर अशरफी, उसको निकलवा दिया। फिर तो कहने की बात ये है कि नाउ इमरान खान इज कॉट इन अ बाइंड बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। वो बंदा फंस चुका है और वो फंस ऐसे चुका है कि फौज उसको रोज रोज जलील कर रही है और रोज रोज इस चीज का एहसास दिला रही है कि विदाउट द पाकिस्तानी आर्मी यू आर नथिंग, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। और जो तुम अभी ये भूले भटके चंद्र ग्रहण, ये पिंकी पीरनी के चक्कर में जो तुम ड्रामा कर रहे हो ना, ISI चीफ का लिख के दो, ये करके दो, क्या भूत उतार देंगे, तुम्हारा पूरा बुखार उतार दिया इमरान खान का, अभी और उतारेंगे इसको। इमरान खान अभी और जलील होगा, अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। तो भाई मशहूर बात यह है कि पाकिस्तान फौज किसी को माफ नहीं करती, चाहे वो सांप उसी का जना हो, उसी का पाला हो। जुल्फिकार अली भुट्टो पाक फौज का जन्मा था, नवाज शरीफ पाक फौज का जन्मा था, बेनजीर भुट्टो तो नहीं, लेकिन बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, जुल्फिकार भुट्टो, ये सब वाइल्डली पॉपुलर लीडर्स रहे हैं, वाइल्डली पॉपुलर लीडर्स। नवाज शरीफ की जो पंजाब में फैन फॉलोइंग है जबरदस्त, बेनजीर भुट्टो जबरदस्त फैन फॉलोइंग, जुल्फिकार अली भुट्टो जबरदस्त फैन फॉलोइंग। आज भी यूनाइटेड नेशंस की तकरीर वो फाड़ के पेज और फेंक के वो वापस उठने वाला, अभी भी पाकिस्तानी शेयर करते हैं। उनको फौज ने नहीं बख्शा, इसकी औकात ही क्या है इमरान खान की, तो कल का बच्चा है। और ये पाकिस्तान का जो फैसिनेशन है ना क्रिकेट के साथ, अब जो पाकिस्तान में देख रहे हैं ना, ये फैसिनेशन नाक और मुंह और हर एक सुराग से निकाल रही है फौज। कैसे निकाल रही है? 1992 में वर्ल्ड कप जीता इमरान खान ने और बड़े पागल हो गए पाकिस्तानी वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप यार, क्रिकेट की टूर्नामेंट जीतना और मुल्क चलाना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। इनको बड़ा कंफ्यूजन है रियल लाइफ और क्रिकेट में, इनको पाकिस्तानियों को कभी फर्क नहीं पता लगा, पागल हो गए 1992 का वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप। अरे वर्ल्ड कप क्या यार, उसको मार मार के दुम्बा बना दिया इमरान खान को वर्ल्ड कप, ये खिलाड़ी फौज उसको वर्ल्ड कप। अब हर रोज उसको फौज ये एहसास दिला रही है कि पाकिस्तानी फौज माफ नहीं करती, और पाकिस्तानी फौज कभी अपने लोगों के साथ लड़ी हुई जंग हारी नहीं। द पाकिस्तानी आर्मी हैज नेवर लॉस्ट अ वॉर दैट इट हैज फॉट विथ इट्स ओन पीपल। भारत से लड़ी हुई जंगें हार गई सारी, अपने लोगों के साथ सारी जंगें जीती है वो। तो ये इमरान खान को याद रहे, गलतफहमी हो गई। एक्चुअली क्या है, उसके आसपास जो बिल्कुल उसने जोकरों का जो हजूम इकट्ठा कर रखा है ना, जो बिल्कुल मैड सॉर्ट ऑफ पीपल हुआ देर, वो उसको बोला खान साहब, अरे साहब आप इतने हैंडसम है साहब, आप इतने कमाल के क्रिकेटर हैं, 1992 वर्ल्ड कप, अरे वर्ल्ड कप चाटना है, भीख पे मुल्क पल रहा है तुम्हारे, फौज तुम्हें रोज जूते मार रही है, तुम्हें 1992 वर्ल्ड कप का बुखारी नहीं उतर रहा तुम्हारे सर से, अरे वो गेम है यार, वो तफरी है, वो गेम को गेम की तरह रखो और आगे बढ़ो। इमरान खान नहीं कर पा रहा, ही हैज स्टार्टेड टू चैलेंज। वो भूल गया कि वो पॉपुलर लीडर नहीं है। और देखो, जब जब नवाज शरीफ के साथ भी इतना कुछ हुआ था ना, जब नवाज शरीफ को निकाला था, जो पाकिस्तानी स्ट्रीट थी वैभव, दैट वॉज नेवर अगेंस्ट नवाज शरीफ, क्योंकि उसने महंगाई महंगाई कंट्रोल कर रखी थी। अब तो महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल के दाम ले लीजिए, हर एक दाम ले लीजिए, चीज़ें आसमान छू रही हैं, लोग एक्चुअली परेशान हैं। और लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं इमरान खान से, इतनी इंतहा हो गई है महंगाई की पाकिस्तान में, कि जो इमरान को लाने वाले थे यानी कि पाकिस्तानी फौज, उनसे सवाल पूछ रहे। पाकिस्तानी फौज को भी स्केपगोट चाहिए ना, जिसको हिंदी में कहते हैं बलि का बकरा, या फिर कह दीजिए कुर्बानी का बकरा, कुर्बानी का बकरा, हमारे पाकिस्तानी भाई बहन समझ लेंगे, कुर्बानी का बकरा उनको चाहिए। अब फौज को जब अपने आप को, जो खल्क है, जो आवाम है, जब उनके गुस्से से अपने आप को बचाना है, तो इमरान खान की बलि देंगे हीट को डिफ्लेक्ट करने में, और फिर शाह महमूद कुरैशी या कोई और कैंडिडेट को लेकर आएंगे। हो सकता है लेकर आए, हमें नहीं पता, हो सकता है इमरान खान पूरा टर्म अपना कंप्लीट कर ले, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इमरान खान की अचीवमेंट जीरो है। शौकत खानम
वर्ल्ड कप। इसके अलावा इमरान खान ने कुछ नहीं करा। उसने इमरान खान ने पाकिस्तान का सूपड़ा साफ He has destroyed Pakistan absolutely. और जो बड़े बड़े लोग थे जिनको बहुत उम्मीदें थी इमरान खान से, खान साहब कुछ करेंगे, समझ नहीं है। He's an immature person. He's not very intelligent also. इमरान खान हो सकता है ऑक्सफोर्ड का हो सकता है ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हो। इमरान खान में अकल नहीं है। अगर इमरान खान में अकल होती ना वैभव, तो शेख रशीद को इंटीरियर मिनिस्टर नहीं बनाता, शहरयार अफरीदी को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन। अब देखिए, शेख रशीद बेवकूफ है, सबको पता है, वो खुद शेख रशीद प्रूव करते रहता है। मंदिर में घंटियां, एक तो मंदिर होता है यार रशीद साहब, शेख रशीद साहब, मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी। शेख रशीद भट्ट भटकड़ाई, शेख रशीद कहता है कि मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी। बस उसका ये है कि बिरला, कोई बिरला मंदिर है, पता नहीं कौन से बिरला मंदिर की बात करता है, कहता है घंटियां नहीं बजेंगी मंदिर में। वो ऐसे ना मोहल्ले में कुछ कुछ पता नहीं, ब्लडी वियर्ड कैरेक्टर यार। अच्छा, एक तो शेख रशीद, दूसरा शहरयार अफरीदी, इसको बोला था कि तुम अमेरिका में जाके कश्मीर का केस रखो। इसकी चेकिंग वेकिंग हुई थी, पैंट वैंट उतार दी, विच इज़ नॉर्मल फॉर अ पाकिस्तानी, सब की उतरती है इनकी। अब ये क्यों परेशान हो गया, इसको ईगो पे आ गई बात। शहरयार अफरीदी ने क्या करा वहाँ पे, कैमरा लेके, मोबाइल लेके, ये देखिए यहाँ पे इतनी गुर्बत है, यहाँ की औरतें ऐसी हैं। वो अमरीका की तनकीद कर रहा है, उस अमेरिका जिसकी दी हुई भीख पे तुम्हारा पूरा मुल्क 75 साल पला है। मतलब ये अजीब लोग हैं, अजीब माइंडसेट है। तुम्हें भीख भी चाहिए अमेरिका से, उसके टुकड़ों पर भी पलना है, उसको क्रिटिसाइज भी करना है, मतलब गाली दे रहा है उन्हीं को। इमरान खान ने बोला कि बेटा तुम्हें इन्हीं को जाके कन्विंस करना है, उन्हीं को गाली दे रहा है। अब देखो ये माइंडसेट है, पता है, इट्स अ टिपिकल पाकिस्तानी माइंडसेट। शहरयार अफरीदी ने क्या करा, जिनको कन्विंस, जिनसे काम था, पहले उनको गाली दी, फिर बोला कि यार ये तो हमारा काम नहीं करते। जैसे कि इमरान खान मोदी जी को बोलता है मोदी जी गलत आदमी हैं, फासिस्ट हैं, नाजी हैं, स्मॉल पीपल इन बिग प्लेसेस, ये सब गाली दी, लगातार गाली दी। अब कहता है मोदी जी फोन नहीं उठाते। यार इज अ क्लाउन, तुम किसी को गाली दोगे तुम्हारा फोन क्यों उठाएगा भाई, तुम्हारे मुंह नहीं लगेगा वो, तुम किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हो। यही शहरयार अफरीदी, अभी इसने आके वापस पाकिस्तान में शहरयार अफरीदी ने कार्टून, ऐसे लोग उन्होंने कार्टून नेटवर्क चला रखा है पूरा पाकिस्तान में, पूरा कार्टून नेटवर्क चला रखा है, ऐसे अजीब और गरीब लोग वहां पे। अब जिसको इस मुनीब साहब ने क्या बोला था उसको, किसके मुंह में बवसीर है, ये वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है और पता नहीं क्या क्या है वो, बड़ी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, माय मिस्टेक, सॉरी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का मिनिस्टर है फवाद हुसैन। उसको बोल रहा है तहरीक लबैक का आदमी कि भैया इसके मुंह में बवसीर है, ये फालतू की बकवास। इतना पता नहीं क्यों बोलते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे टॉक सो मच। मैं बार बार एक बात फिर से बोलना चाहता हूं, 370-35 से मोदी जी ने हटाया, चुप, जो भी बयान अमित शाह जी को देना था पार्लियामेंट में दिया, चुप। फ्लाइट चलाई श्रीनगर से शारजा, चुप। अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में लेकर आए, चुप। आपने कोई कमेंट देखा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कोई सीएनएन बीबीसी को इंटरव्यू देखा, कुछ नहीं। इंडिया हैज $1.3 trillion का इंफ्रास्ट्रक्चर का, गतिशक्ति नाम का, कैबिनेट ने अप्रूव करा, चुप। एक छोटा सा मैसेज आया प्रधानमंत्री का कि 1 अरब वैक्सीनेशन हो गए, बस चुप। देश ऐसे चलते हैं, फॉरेन पॉलिसी ऐसे चलती है। हम बाबर के ऊपर फिल्म बनाएंगे, ये पता नहीं कैसी ओछी हरकतें, जैसे वो यूनिवर्सिटी के वहां पे यूपी नहीं लौंडे लफाड़े बात करती है, ऐसे जैसे कि छात्रों को चुनाव चल रहा होगा ना स्कूल कॉलेज वहां पे, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, रामपुर में, ऐसे ऐसी बातें करता है यार। आई एम वेरी सरप्राइज्ड, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, स्टूडेंट यूनियन का चुनाव होता है ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वही लेवल है जो स्टूडेंट यूनियन का, खासतौर से यूपी बिहार, आपने वहां पे भी देखा होगा बनारस में, डम 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 डम, बाहर से आए भाई साहब कहीं से, तो वहां पे ढोल नगाड़े ताशे बज रहे हैं वहां पे, और भाई साहब इमरान भाई का वेलकम हो रहा है। पता नहीं बड़ा बड़ा इमेच्योर, एक जिसको कहते हैं कि जैसे एक टिपिकल जो पंजाब की मूवीज नहीं होती, पाकिस्तानी पंजाब की गांव की, जहां पे एक चौधरी होता है, जहां पे एक एक
लेबरर होता है, हारी बोलते हैं ना, हारी होता है वहां पे, उस टाइप का अभी भी पाकिस्तान में माहौल है, कमी है, उस प्रकार का एक माहौल है पाकिस्तान में, और वो अभी भी वो मौला जट वाले टाइम फ्रेम में चल रहे हैं वो लोग। तो वैभव, इमरान खान के ऊपर एक बहुत पुराना केस चल रहा है फॉरेन फंडिंग का, 4 साल से स्टे ले रखा है। वो केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, हिंदुओं और यहूदियों से पैसा लेने का इनके ऊपर इल्जाम है, यानी कि इंडिया से और इसराइल से। अब 4 साल से, जब अभी तो 3 साल इनको पहले हुआ, उसके पहले से जब इनको लग रहा था कि इमरान खान को बनाना है प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, तब से ISI ने रोक रखा है। पाकिस्तानी फौज अगर चाहे तो 24 घंटे के अंदर इमरान खान को चौराहे पर नंगा कर सकती है। उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाके एक कर्नल साहब जाएंगे अपनी गाड़ी पकड़ के और बोलेंगे, साहब वो जो केस था ना इमरान भाई का, ज़रा उसके ऊपर सुनवाई करिए, फिर ये सादिक और अमीन और जितने भी शेर व शायरी करते हैं ना, ये सब घुसा हुआ रह जाएगा। रियासत मदीना, अमीरुल मोमिनीन, सादिक और अमीन, ये लंबी लंबी जो छोड़ते हैं ना, ये सब, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा आदमी। और ये फौज ने रोक रखा है, स्टे करवा रखा है पाकिस्तान आर्मी ने। जिस दिन पाकिस्तानी आर्मी का दिमाग ठनका, उसने सिर्फ फॉरेन फंडिंग का केस खोलना है और इमरान खान পাকিস্তান আর্মির সঙ্গে ইমরান খান নিয়াজির যে সমস্যা আছে তাদের মধ্যে সেটা নিয়ে, আর সেটা বুঝতে আমাদের একটু কষ্ট হয়েছে, কারণ ওনার ভাষা আমরা এত সহজে কিন্তু বুঝতে পারি না, একটু সময় লাগে। আর তাছাড়াও হচ্ছে পাকিস্তানের রাজনৈতিক বিষয়ে কিন্তু আমরা এত বেশি জানি না, যার কারণে হচ্ছে কে কার সাথে কীভাবে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে আছে সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছিলাম না। ওনারা হয়তো অনেকে বুঝছেন, এবং পাকিস্তানি যারা উপভোগ করছেন ওনার ভিডিওটা তারা হয়তো বুঝতে পারছে, বা ইন্ডিয়ান লোকজন যারা আছে তারা ভালোভাবে বুঝতে পারছে। আমাদের জন্য একটু টাফ বিষয়টা। হ্যাঁ, তারপরেও বুঝতে পেরেছি যে আসলে ইমরান খান অনেক কিছুই চাচ্ছে আর্মির কাছে, যেহেতু আমরা এতটুকু জানি যে আসলে পাকিস্তানের সর্বময় ক্ষমতায় কিন্তু প্রেসিডেন্ট না, এখানে হচ্ছে আর্মি কেন্দ্রিক ক্ষমতা চলে। তো আর্মিরা যাকে চায় তাকে ক্ষমতায় উপরের দিকে উঠায়, আবার যাকে চায় না তাকে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করে। তো এখানে বলতে যাচ্ছে যে ইমরান খানের পরবর্তীতে কাউকে কাকে রাখবে সেরকম কাউকে তারা অলরেডি খুঁজে বের করেছে, এবং ইমরান খান যদি আরও বেশি বাড়াবাড়ি করে মানে তাদের ভাষায়, তো সেক্ষেত্রে তাকে সরিয়ে দিয়ে অন্য তাকে কী ধরনের সমস্যায় ফেলাবে সব কিছু আসলে প্ল্যান ম্যাপিং করা হচ্ছে। তো আমার কাছে মনে হয় যে ভিডিওটি আসলে ইনফরমেটিভ, বাট আমাদের জন্য না। আর আমরা এই ভিডিও দেখে যে ডিটেলস অনেক কিছু বলবো এরকম কিছু বলতে পারছি না, কেননা এই বিষয়গুলো যে বলবো এই বিষয়টা টোটালি হচ্ছে রাজনৈতিক, এবং হচ্ছে যে এটা পাকিস্তানের ইন্টারনাল যদি কন্দল থাকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে বলবো। তারা আসলে বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে যে ধরনের সমস্যা সেগুলো নিয়ে খুব বেশি কিন্তু ডিটেলস আমাদের মেজর সাহেব এখানে কিছু বলেনি। হ্যাঁ, টোটালটা হচ্ছে তাদের কান্ট্রির ভিতরের যে বিষয়টা সেটা, এবং সেখানে ইমরান খান যে সমস্ত ভুলগুলো করছে সেই জিনিসগুলোই উনি মূলত হাতে ধরে। আর ইমরান খান যে ধরনের কমান্ডিংগুলো বলছে আর্মির সঙ্গে তার ম্যাচ খাচ্ছে না, এবং এগুলোর ক্ষেত্রে ইমরান খান হচ্ছে বলিকা বাকরা, সেটা হচ্ছে পাকিস্তানিদেরকে বোঝার ক্ষেত্রে যেমন বললো যে কুরবানির বাকরা মানে ছাগল বলে যেটার জন্য আর কি, সেটা হতে পারে হয়তো বা ইমরান খান, সেটা আসলে আমাদের ধারণা নাই, সেটা ওই দেশের ব্যাপার আর ওই দেশের পলিটিশিয়ানদের ব্যাপার। আর যদিও বা সব দেশের ইন্টারনাল ব্যাপার নিয়ে কিন্তু অন্য অন্য দেশও কিন্তু রিসার্চ করে, তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে উনি রিসার্চ করে ওনার যতটুকু বলার ওপিনিয়ন ছিল উনি সেটা শেয়ার করেছে সবার সঙ্গে। এবং একটা জিনিস ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে পাকিস্তানের যে বিগত নেতারা ছিল যারা নেতৃস্থানীয় ছিল, অনেক বড় বড় নেতা যারা ছিল আর কি, যাদের ইনফ্লুয়েন্স অনেক বেশি ছিল, তাদেরকেও পর্যন্ত সেনাবাহিনী সরিয়ে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে ইমরান খান অনেক ছোট আর কি ওনাদের তুলনায় আর কি। তো সেই জন্য ইমরান খানকে সরাতে তাদের খুব বেশি একটা প্রবলেম হবে না, এরকমই একটা ব্যাপার বা মেসেজ উনি দিতে যাচ্ছিলেন এখানে। আর পাকিস্তানের আর্মিরা যেটা করছে যে অন্য অন্য রাজ্যে যদিও বিভিন্ন ধরনের অ্যাকশনে যাচ্ছে, পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা তারা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, কারণ পাঞ্জাবের কিন্তু বেশিরভাগ লোকই তোমার আমাদের আর্মিতে আছে, তো আমার কাছে মনে হয় যে তারা অন্যদের উপরে
সুতরাং নিচে কিন্তু নিজেদের এরিয়ার মধ্যে সবাই শান্তি প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে ব্যস্ত আছে এরকম অবস্থা। যাই হোক, মেজর সাহেবের এই ভিডিও থেকে পাকিস্তানের রাজনীতির অনেক বিষয়গুলো আমরা জানতে পেরেছি, যদিও সবগুলো বিষয় আমাদের কাছে খোলাসা হয়নি, কেননা এটা যদি আমরা আরও ক্লিয়ার বুঝতে চাই তাহলে আসলে আমাদেরকে পাকিস্তানের রাজনীতি নিয়ে আরও বেশি স্টাডি করতে হবে, তাদের নিউজগুলো আরও বেশি জানতে হবে। তো ওভারঅল ভিডিওটি বলবো যে আমাদের জন্য কঠিন ছিল, ভালো লাগাছিল, কঠিন ছিল। তো আমাদের আজকের ভিডিও রিয়াকশনটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কোন কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, আজকের মতো এখানেই বিদায়।